बजट के हिसाब से ही हम शॉपिंग करेंगे, इसलिए सबसे पहले तो मैं प्राइस देखूंगी यार। और यहाँ पे मुझे एक और यूनिकॉर्न की चीज दिख गई है, क्रिसमस आ रहा है ना, तो देखो इरेजर पर नहीं ले सकते। तो अगर हम 1000 में से 169 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? मिल गया यूनिकॉर्न, मिल गया, ये देखो। लेकिन सबसे पहले हम इसका प्राइस चेक करेंगे, 299 ले ही लेती हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है, यही ले लेती हूँ। फाइनली मुझे तीन चीजें मिली अपने लिए, लेकिन ये मिली अच्छा है, लग गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये शॉप में क्या कर रही हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं ओनली बाइंग यूनिकॉर्न स्टेशनरी। तो आज मैं बस यूनिकॉर्न स्टेशनरी ही खरीद सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मम्मा ने मेरा कोई बजट सेट नहीं कर रखा है, तो मैं जितना चाहूँ उतना बाय कर सकती हूँ और जो चाहे वो ले सकती हूँ। सबसे अच्छी बात यह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर्ल, नहीं, मैंने बजट डिसाइड कर रखा है बेटा। कितना है? 1000 रुपीज। पर मम्मी, आपने तो मुझे घर में कहा था कि नो बजट टुडे। इट वाज अ सरप्राइज फॉर यू। यार ऐसे सरप्राइज मत दिया करो यार, मैं तो खुश हो गई थी, ये तो मेरा ही पोपट हो गया। ऐसे सरप्राइज के बिना चैलेंज में क्या मजा आएगा, खुद सोचो। चलो अब शॉपिंग करना शुरू करते हैं, देखते हैं मुझे क्या क्या इंटरेस्टिंग मिलता है, ढूंढते हैं। बस यूनिकॉर्न का चाहिए। ओ, मुझे एक यूनिकॉर्न डायरी मिली है, डायरी आई थिंक सो, या फिर बुक। ये देखो, इसका मुंह ऐसे निकला हुआ है, देखते हैं। नहीं देखना, ये अभी से ही बजट से बाहर है, एक ही चीज खरीद पाऊंगी ऐसे तो मैं। 799 सीरियसली? ओ, रेड राइडिंग हुड। लेकिन अभी मैं बस यूनिकॉर्न वाली चीजें ही ले सकती हूँ। मुझे एक और यूनिकॉर्न की डायरी मिली है, ये कितने की है? पहले बजट के हिसाब से ही हम शॉपिंग करेंगे, इसलिए सबसे पहले तो मैं प्राइस देखूंगी यार। 450। अरे यार, अभी से मैं इतना हाई प्राइस वाली नहीं लूंगी, पहले मैं जो सबसे सस्ते होंगे पहले वो वाली चीजें लूंगी। और यहाँ पे मुझे एक और यूनिकॉर्न की चीज दिख गई है, यूनिकॉर्न एंड प्रिंसेस स्टोरीज बुक। $7.99, उतना ही जितना वो वाली थी, तो प्लीज नेवर माइंड। नहीं नहीं, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा भाई चैलेंज, शुरू होते ही कार को भी नहीं रखते, तो जगह नहीं हो रही। यो पेंसिल्स कौन के नहीं है, यहाँ पे टेडीज वाली और बीटीएस के वो एनिमेशन जो उन्होंने खुद से क्रिएट करी थी उसके वाले हैं बस। देखो ये पांडा वाली कितनी क्यूट है, यहाँ पे एंजल्स वाली भी है, लेकिन यूनिकॉर्न वाली नहीं है। क्रिसमस आ रहा है ना, तो देखो इरेजर पर नहीं ले सकते, नेक्स्ट टाइम ही होंगी जब भी आऊंगी। अभी मैं पहले यूनिकॉर्न स्टेशनरी ही ढूंढती हूँ। फ्रेंड्स, अभी ढूंढते मैं इस सेक्शन में आई और मुझे दिखी ये यूनिकॉर्न पेंसिल्स। तो सबसे पहले हम इसका प्राइस चेक करेंगे, उसके बाद ही सोचेंगे कि इसे लेना है या नहीं। तो इसका प्राइस है 169। हाँ, तो मैं इसे लूंगी ऑफ कोर्स, लेकिन उससे भी पहले मुझे इसके और शेड्स दिख रहे हैं, मतलब और कलर्स दिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे जो अच्छा लगेगा वही लूंगी मैं। तो ये है एक ब्लू, लेकिन अभी मैं रुकूंगी नहीं, अगर कोई और अच्छा ऑप्शन दिख गया तो ऑफ कोर्स वही लूंगी ना। नहीं, ये तो ब्लू और येलो ही है, उसके बाद तो मैं ये पर्पल वाले लूंगी। एक बार इसका भी प्राइस देख लूं। हाँ, इसका भी 169 ही है। तो अगर हम 1000 में से 169 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 831। तो चलो इसे ले लेते हैं, और कुछ देख लूं यहाँ पे, कुछ अच्छा दिख जाए तो। फ्रेंड्स, पेंसिल्स तो मैंने ली हैं, और अब मैं इरेजर्स देख रही थी तो मुझे एस्ट्रोनॉट वाले दिखे, लेकिन यार ढूंढ तो मैं यूनिकॉर्न वाले ली हूँ ना, इसके पीछे भी नहीं है, सारे एस्ट्रोनॉट वाले हैं, ये भी सेम ही है। ये डक वाले,
इरेजर और पीछे गार्बेज कैंस, दे ही नहीं सकते। यार बहुत क्यूट है, बारबी की हार्ट वाले भी हैं और नहीं ले सकते, पर यूनिकॉर्न वाले ढूंढना है, ढूंढ के ही मानूंगी। मिल गया। लेकिन सबसे पहले हम इसका प्राइस चेक करेंगे जो कि है 56। तो टोटल हमारा पिछली बार 831 था, तो इस बार अगर हम 56 को 831 से माइनस करेंगे तो टोटल होगा 775। अगर आपने सही गेस किया था ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो अब आगे देखते हैं और क्या मिलता है, ढूंढते रहेंगे हम। क्या लूं यार, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक सेकंड, मैं भी यहाँ से गुजरी इरेजर्स लेके, तो मुझे ये कैसे नहीं दिखा, मैंने इसे नजरअंदाज कैसे कर दिया, तक क्यूट है ये, क्या है मैजिक यूनिकॉर्न, देखना है कितना का है, इसका प्राइस कितना है 225। एक सेकंड, 225 ठीक है, मैं इसे लेने जा रही थी, लेकिन इसका वो पेंसिल वाला पार्ट का है जिसमें हम पेंसिल्स रखते हैं। आगे चलते हैं, वहाँ पे कोई अच्छा मिल जाए क्या पता। वो इतना क्यूट सा था, वो नीचे शायद पाउचेस हैं, वो जो आजकल ट्रेंड में है ना, देखते हैं नीचे। हाँ मैं सही थी, पर यूनिकॉर्न वाला मिल जाए ठीक है, ये तो मैं फोल्ड है ये तो। कुछ भी नहीं है यहाँ पे यूनिकॉर्न वाला मुझे दिख रहा। चलो देखते हैं क्या ले सकते हैं। यूनिकॉर्न, लकी यूनिकॉर्न, ये तो क्यूट है। इसका भी अंदर का नहीं है, स्टाइल है क्या कोई, लेकिन नहीं मुझे जरूरत है, अगर लूंगी तो अच्छा वाला लूंगी जो ज्यादा यूजफुल हो। ओ, नीचे भी है कुछ, ये मेरी क्लासमेट के पास भी है, प्यारा कलर भी तो देखो कितना प्यारा है, पर्पल। तो उसके बाद भी है यहाँ पे 449। नहीं यार ये नहीं लूंगी मैं, महंगा है, अभी खत्म हो जाएगा फिर मैं पूरे 10 आइटम भी नहीं ले पाऊंगी, तो बहुत महंगा है। और देखती हूँ अगर कोई और अच्छा लगे तो। हाँ यहाँ पे और भी यूनिकॉर्न्स हैं, अच्छा है तो क्यूट, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, ये ज्यादा क्यूट है, ये तो खुद ज्यादा ही लग रहा है, ओवर है ये थोड़ा, ये थोड़ा सिंपल सा है, अच्छा लग रहा है। पहले से देखते हैं इसकी MRP का है, इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट। आप बताना ऐसे भी होते हैं क्या, मैं पहली बार देख रही हूँ। ये 449 का है, कहीं से लग रहा है, नहीं भाई कुछ और कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है, बस ये दो चीजें ली मैंने तब से। अच्छे तो वही पेंसिल्स है, BTS वाली है, यहाँ पे नॉर्मल डायरी हो रहा है, कोई है नहीं क्या इस अपने बीच में, ये निकल रही है, ये कितने किया यार, इतनी से गई है, लेकिन यार कुछ मिल ही नहीं रहा यार, ये भी बहुत महंगी है बजट के हिसाब से, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या करूं, ये दो चीजें जो मुझे तब से मिली है, चलो देखते हैं, मैं होप नहीं खोऊंगी यार, पता चल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अभी मैंने उस पाउच को अनदेखा करा था ना, पता चल रहा किसी और चीज को ना कर दिया। यूनिकॉर्न का क्या है, नहीं ले सकती यार, ये देखो फ्रेंड्स एक टॉय है, बस स्टेशनरी लेना है। चलो यार यहाँ पे लंच बॉक्स है, लेकिन किसी में भी यूनिकॉर्न वाला नहीं है कोई भी यार, वाटर बॉटल्स भी है यहाँ पे, लेकिन नहीं, इसमें प्रिंसेस बनी हुई है, लेकिन
किसी में यूनिकॉर्न क्यों नहीं बन रखा? वाओ, यहाँ पे कप्स हैं। किसी में भी यूनिकॉर्न नहीं है। सिंपल्स, इसमें यूनिकॉर्न है। ये देखो, ऊपर भी है। ये कितना क्यूट सा है। इसे कितना क्यूट है। ये देखो, ये ऐसे बैठा हुआ। आई गेट इट। सुंदर है, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका प्राइस, जो कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम है। $4.99 नॉट इन लैंग्वेज। यहाँ पे और देखते हो, ये क्या है पता नहीं, बट नॉट यूनिकॉर्न। कितना क्यूट सा है। माउस वाले वर्जन के नहीं ले सकती, तो क्यूट क्यूट चीज़ तो वही नहीं ले सकती मैं। यूनिकॉर्न वाला चैलेंज लिया हुआ है, क्योंकि ग्रीन वाला। ये देखो, ये भी यूनिकॉर्न है। हाँ यार, ये भी क्यूट है, ये ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले MRP $3.99। क्यों, तो क्या लूं? नीचे बॉटल्स है, रुक जाओ, मैंने वहाँ पे देखा नहीं ना नीचे। सबसे पहले वही देखा, क्योंकि बॉटल्स में ऑफ कोर्स यूनिकॉर्न्स होते हैं, जो ऐसे क्यूट सी होती है। इसमें कवाई कैरेक्टर्स हैं, कवाई कैरेक्टर्स। कितना क्यूट है। अरे खुल क्यों नहीं रहा, पता नहीं। यहाँ पे इतनी सारी प्यारी प्यारी बॉटल्स हैं। ये सिल्वर वाली देखो, कुछ नहीं ले सकते मैं। यूनिकॉर्न चैलेंज लिया हुआ है मैंने। इतनी अच्छी अच्छी है, लेकिन शायद अंदर हूँ। यूनिकॉर्न वाली है। अरे आयुषी, ये देखो कितने क्यूट है। सारी क्यूट क्यूट चीजें मिल रही है, लेकिन किसी में भी यूनिकॉर्न नहीं है। थोड़ी सी गंदी हो रखी है, लेकिन सुंदर कितनी है। बड़ी सी, एक सेकेंड, ये कितनी बड़ी है। सबसे पहले इसका प्राइस, अभी ये बजट सवा ₹950 की है। ₹950। हाँ भाई, आंखों का धोखा नहीं है, ₹950 ये लिखा हुआ यहाँ पे। कैसे हुआ, ये इतना महंगा कैसे हुआ? यहाँ पे एक क्यूट सी बॉटल है, बट नॉट ऑफ यूनिकॉर्न भाई। एक तो मम्मी ने पता नहीं क्यों ये बजट दिया हुआ। मैं आराम से शॉपिंग कर पाती अगर बजट का नहीं होता, तो यहाँ पे जो भी यूनिकॉर्न का मैं सब ले पाती। लेकिन नहीं, मम्मी को पता नहीं क्या चढ़ा, घर पे तो कहा कि नो बजट फॉर टुडे, अब बजट दे दिया। अब देखते फ्रेंड्स, अभी मैं घूमते घूमते फिर से इस एरिया में आई, जिधर इरेजर्स और ये पेंसिल्स थी, कि मैंने कुछ मिस आउट ना किया। मुझे यहाँ पे वॉचेस दिखी है, प्लीज मुझे यार यूनिकॉर्न वाला मिल जाए, कुछ यूनिकॉर्न वॉच मिल जाएगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन प्राइस में होनी चाहिए यार, बजट के अंदर नहीं होगी तो कैसे लूंगी। हाँ, ये फ्रोजन वाली एक वॉच है और ये डोरेमोन वाली भी है, लेकिन हमें चाहिए तो यूनिकॉर्न। ये देखो कितनी क्यूट है, लेकिन सबसे पहले इसका प्राइस चेक करेंगे, तभी इसको लेंगे। प्लीज यार, कुछ मिल ही नहीं रहा है। $2.99 ले ही लेती हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है, यही ले लेती हूँ। फाइनली मुझे तीन चीजें मिली अपने लिए। फ्रेंड्स, मैंने ये यूनिकॉर्न वाला लिया है, और इसमें इसके देखो कितने सारे फेसेस है, 4 faces है टोटल। एक है पर्पल, एक है ब्लू, एक है ये येलो कलर का, और ये पिंक, जो कि मुझे सबसे क्यूट लगता है। तो ये जो मैंने लास्ट टाइम इरेजर्स लिए थे, ये थे इसे, मतलब जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो टोटल था 775, और अब मैं इससे 299 को जब माइनस करूंगी तो टोटल होगा कितना होगा, रुक जाओ, 546। तो चलो अभी ना लेते हैं और आगे देखते हैं। प्लीज यार, मुझे कुछ अच्छा मिल जाए यार, वो सिपर्स ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे।
पर्ल ये क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे मम्मी हाँ ये वाला गेम बहुत अच्छा है, लेकिन बस मतलब ये दिक्कत हुई, यूनिकॉर्न वाला नहीं है, इसमें फ्रोजन है। और इतना इंटरेस्टिंग है सब, बस ये था वो और उसमें डालना है। हाँ इट इज अ वाटर गेम। हाँ ये वाटर गेम बहुत अच्छा होता है। सारे फ्रोजन के हैं ये? हाँ एक भी यूनिकॉर्न वाला नहीं है, देखो यहाँ पे भी फ्रोजन वाला ही है सब। योर बैड लक। लेकिन मुझे एक चीज यूनिकॉर्न की दिखी है और वो पक्का अच्छी होगी। देखो 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 इसमें 10 इरेजर्स है। हाँ तीनों के नहीं, ये 10 के 10 ही यूनिकॉर्न है। ये देखो बस ये रेनबो में हार्ट और स्टार है जो कि बहुत प्यारे हैं। और 8 कलर पेंसिल्स, 2 ग्रेफाइट पेंसिल्स, कलरिंग पेजेस, मेजेस एंड मोर। मतलब इसमें मेजेस भी हैं यार, ये तो बहुत अच्छा है। कितने का है? 999 999 यार, सही में इतने हाँ। तो पैसे ही नहीं बचे। हाँ इतने पैसे ही नहीं बचे यार, नहीं ले सकती अभी। स्टार्टिंग में दिखता और अगर तब सोचती ना तो बस मैं यही ले पाती। और कुछ यहाँ पे देखती हूँ यार, यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट से यूनिकॉर्न वाले छोटे से बैग्स हैं ना, ये इतने क्यूट है। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, कुछ 500 अराउंड ही है तो ये उसमें मैंने आना यार, ये दिक्कत हो रही है। ओह ये यूनिकॉर्न का कुछ है, देखते हैं। स्क्रैच आर्ट, इसमें यूनिकॉर्न है और 8 पीसेस और है इसमें। वाओ ये तो अच्छी बात है बहुत। कितने का? 210। तो कितने थे मेरे पास पहले जब मैंने वो वॉच ली थी, तो मेरे पास तब थे 546। तो 546 को जब हम माइनस करेंगे 210 से तो टोटल कितना होगा? 336। तो चलो इसे ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद भी मैं कुछ तो ले ही पाऊंगी यार, इतना है मेरे पास पैसे। चलो लेकिन क्या लूं वो भी तो सोचना पड़ेगा। लेकिन ये मिल गया, अच्छा है, लग गई। ये देखो ये तो क्यूट है बीटीएस का, लेकिन नहीं ले सकती। 21 भाई, सब BTS का ही है। वाओ ये क्या है? 169 का। लेकिन ये यूनिकॉर्न का नहीं है, इसमें यूनिकॉर्न का कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स अगर यूनिकॉर्न स्टेशनरी की बात है तो मैं बुक्स तो ले ही सकती हूँ। और यहाँ पर मुझे देखिए छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी स्टोरी बुक, तो बस अब मुझे इसमें यूनिकॉर्न वाली स्टोरी बुक चाहिए और मिल जाए। यहाँ पर है बहुत सारी, स्लीपिंग ब्यूटी, पिनोकियो, डॉल्फिन, स्नो वाइट, सरस्वती, ज़ेब्रा, पिग, भारत के त्योहार, सिंड्रेला। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे आउल तक की स्टोरी है लेकिन यूनिकॉर्न की नहीं है यार। नहीं है तो क्या लूं यूनिकॉर्न का, अब कुछ दिख ही नहीं रहा है। स्टोरी बुक्स तो है ही नहीं यूनिकॉर्न के। फ्रेंड्स कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए क्या लूं यार। 336 रुपीस बचे मेरे पास, उसमें क्या आ सकता है? कुछ देखा था क्या मैंने जो उससे कम का हो, जो मैं ले सकूं? 3 सेकंड आइडिया, मुझे डायरी दिखी थी, वो छोटी सी थी, क्यूट सी थी, उसमें यूनिकॉर्न बना हुआ था, वो ले सकती हूँ मैं। चलो इधर ही थी वो डायरी छोटी सी, इधर पे नो डायरीज का सेक्शन है ना। मेरी ये यूनिकॉर्न डायरी कितने की? एक और बार देख लूं। 299। हाँ तो अगर मैं 336 में से 299 को माइनस करूंगी तो टोटल कितना होगा? हाँ मेरे पास बस 37 रुपीज बचेंगे, तो चलो उसमें क्या ही आएगा। अब इसकी बिलिंग करवाते हैं और जो 37 रुपीज है ना मैं उन्हें सेव कर लेती हूँ, सेविंग करनी भी तो जरूरी है ना। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करूंगी, स्टेशनरी शॉपिंग या कोई सी भी शॉपिंग, तो उसमें यूज कर लूंगी। ठीक है अभी जल्दी से इसकी बिलिंग करवाते हैं। फ्रेंड्स आज शॉपिंग करने में ना बहुत मजा आया, लेकिन बजट की वजह से ना मम्मी ने जो मुझे बजट दिया एकदम से सरप्राइज, उसकी वजह से मैं ज्यादा चीजें खरीद नहीं पाई।
लेकिन कोई नहीं, मजे तो बहुत आए यार, इतनी अच्छी अच्छी चीजें ली मैंने, बहुत अच्छा लगा। और आई होप आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।